हेलो रिवन सी ए पियूष गुप्ता दिस साइड और आज फेस टू फेस नहीं आए हैं ठीक है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के कारण तो बट इम्पॉर्टेंट वीडियो थी सो दैट्स वाई आई एम रिकॉर्डिंग इन दिस वे आज वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपने पोर्टल पर हमारे जी एस टी के पोर्टल पर, पर प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेशली अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं रिकाउंसिलेशन से रिलेटेड या डेटा इम्पोर्ट करने से रिलेटेड तो उसमें किस तरीके से हमें उसको मैनेज करना चाहिए क्या जीएसटी पोर्टल पे जो अपने आप से हमें फ़ीचर्स दिए गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ीचर्स हैं क्या वो सफिशियंट है या हमें किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो जो स्टूडेंट्स सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हैं उनको तो मैंने काफ़ी चीज़ें इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी कोर्स के अंदर एक्सप्लेन करा है कि कब हमें गवर्नमेंट पोर्टल हमारे लिए सफिशेंट है और कब कुछ चैलेंजेस आते हैं या कुछ वर्क के लिए हमें कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे कि क्लियर क्लियरटेक्स उसको रिकमेंड करना मतलब प्रेफर करना बेटर रहता है सो दैट्स वाई जो भी चीज़ें एक एक टॉपिक पे हम इस पर डिस्कशन यहाँ पे अपना रखेंगे सबसे पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आईटीसी जो है वो हमें जी एस या टू के अकॉर्डिंग लेना है या टू के अकॉर्डिंग लेना है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट चल रहा था बहुत टाइम से डाउट चल रहा था सो so, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से सी की तरफ से मतलब जो डिपार्टमेंट है सी सी उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन आ गई थी कि आप क्या करेंगे जी एस के अकॉर्डिंग आई क्लेम करेंगे सो so यहाँ पर आपको टू के अकॉर्डिंग नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि टू अब जब से टू आया है तो उसके अंदर एक्चुअल में जहाँ जो भी वेंडर था जिससे भी आपने परचेज किया है जब वो रिटर्न फाइल कर देते हैं तो टू बी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है और एज पर रूल्स आप तभी आई टी क्लेम कर सकते हैं जब उसकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है वेंडर के थ्रू सो so यहाँ पे अभी रिकॉन्सिलेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है मतलब जब आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो आपके लिए ये इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टू बी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है या उसमें कोई डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे क्योंकि अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो एज़ पर रूल्स वो डिसक्वालीफाइड आई टी सी है ठीक है अब पोर्टल पर भी आपने देखा है कि वहाँ पर काफ़ी टूल्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं जो कि रिकॉन्सिलेशन के लिए हेल्पफुल है बट वो बेसिक रिकॉन्सिलेशन वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है अगर इन डेप्थ आप चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है या जो रिकॉन्सिलेशन होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है सो दैट्स वाई अगर आपको रिकॉन्सिलेशन uh, करना है जहाँ पे कुछ आपकी इन्वाइसिस या सेल्स वगैरह हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी डेटा है तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप uh, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल क्लियरटेक्स की हम बात करते हैं तो क्लेटैक्स में जैसा कि अगर आपने कोर्सेज़ के अंदर भी देखा है तो वहाँ पे बहुत इजी हो जाता है वन क्लिक में आपका सारा डेटा इंपोर्ट हो जाता है और रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट भी वहाँ पे जनरेट हो जाती है तो क्लेटैक्स क्या करता है आपको इन्वास बाई इन्वायस पूरा मैच करके दे देता है बहुत सारे फ़िल्टर्स के थ्रू कि मैच हुआ या कौन कौन सी आइटम्स मैच नहीं कर रही हैं मिस मैच है तो किस तरीके का मिस मैच है अमाउंट में मिस मैच है टैक्स में मिस मैच है या इन्वास नंबर वगैरह में मिस मैच या फिर रिकॉन्सिलेशन का पार्ट जो मैंने बताया ये हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है अब इसमें जो रिकॉन्सिलेशन आप कर रहे हैं तो उस टूल के थ्रू जब टैक्स का आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं प्लस क्विक हो जाती है एक बात और है जब आप फॉर एग्जांपल आपको टू ए से भी रिकॉन्साइल करना है तो वहाँ से डेटा इंपोर्ट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि अभी पोर्टल पर क्या होता है एक एक करके आप डेटा इम्पोर्ट करेंगे फिर एक्सल में उसको एक जगह कंबाइन करेंगे इम्पोर्ट करने में बहुत टाइम लगता है फिर कंबाइन करके वहाँ पर फॉर्मूलाज़ वगैरह यूज़ करके मतलब बहुत मैनुअल सिस्टम से अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपोर्टेड डाटा फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मेट्स मतलब अब जो आप रिटर्न फाइलिंग के लिए डेटा यूज कर रहे हैं अगर आप प्रैक्टिस में हैं फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे आपके क्लाइंट्स हैं जिनका आप डेटा मैनेज कर रहे हैं या आप किसी और तरीके से डेटा दो तीन तरीके से आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर में मैनेज होता है तो चैलेंज क्या होता है अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम सींग यू आर टैक्स प्रैक्टिशनर ठीक है ना आप वहाँ पे कंसल्टेंट है प्रैक्टिशनर है तो प्रॉब्लम ये आती है कि कोई क्लाइंट अपना डेटा एक्सेल में मैनेज करते हैं कोई टैली में मैनेज करते हैं कोई थर्ड सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं तो उसके कारण प्रॉब्लम ये होती है कि उस डेटा को पहले तो आपको मंगाना उस डेटा को इंटरप्रेट करना फिर उसको कॉपी करना प्रॉपर फॉर्मेट में जो कि जी पोर्टल पर एक्सेप्ट हो सके फिर वहाँ पर उसको फिल करना मतलब आपका काम इसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है और वर्कलोड आपका काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है सो देट्स ऑल्सो बेनिफिट ऑफ क्लियर क्लेटेक्स कि आप अगर क्लियर क्लेरटेक्स जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या आ, मतलब इस तरीके का कोई और भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं बट रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे कि ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा हो तो क्लेरटेक्स में ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा डेटाज़ को सपोर्ट करता है मतलब मैक्सिमम सॉफ्टवेयर सपोर्टिव होते हैं तो अगर कोई भी डेटा होता है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि उसको डायरेक्टली क्लियर क्लियरटेक्स में इम्पोर्ट कर लें और वहीं क्लियरटेक्स ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है एज पर द जी एस टी पोर्टल मतलब आपने डेटा इम्पोर्ट किया क्लियरटेक्स उसको इंटरप्रेट करेगा और उसी डैशबोर्ड से आपकी रिटर्न भी क्लियरटेक्स के डैशबोर्ड से फाइल हो जाएगी ठीक है तो मतलब अभी आपको जो डिफरेंट डेटा का फॉर्मेट है ना उसको कैरी करने के लिए या उसको मैनेज करना आपके लिए एक वर्कलोड नहीं रहता है नाउ नेक्स्ट थिंग इज एर इन फाइलिंग जीएसटी आर जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ना तो फाइल करते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको एरर्स uh, बहुत सारी मिलती है तो उस टाइम पे हमारे एक्सप्रेशंस कुछ इसी तरीके से होते हैं और क्लाइंट या तो क्लाइंट का भी अभी ऐसे ही रहता है तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम पोर्टल uh, पे कर रहे हैं तो वहाँ पर चैलेंजेस हमारे लिए क्या होते हैं कि पोर्टल पर अपलोड करने से पहले आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पर मिस्टेक है वो एक दिक्कत होती है मतलब बहुत सारे केसेस में प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं हो पाता है तो हम पहले तो पोर्टल पर अपलोड करेंगे फिर वहाँ पे हमारे पास एरर्स आएगी फिर एरर आने के बाद उसको इंटरप्रेट करना कि कहाँ पे एरर आई अब कई बार क्या होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअल में वो डेटा को मैं कैसे दोबारा रीअपलोड करूँ यह पूरा का पूरा डेटा कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता फिर हम पूरा रिमूव करके दोबारा अपलोड मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम वहाँ पर हो जाता है सो so अगेन आप जैसे क्लेटैक्स में क्या बेनिफिट हो गया क्लेटैक्स के जैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में आपको ये बेनिफिट होता है कि जब भी आप पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाने से पहले बहुत सारे चेक्स क्लेटैक्स अपने आप से अप्लाई कर देता है बहुत सारे चेक्स हैं जो क्लेटैक्स ऑलरेडी चेक कर लेता है और आपको बता देता है कि ये मिस्टेक्स आ रही हैं तो आप पोर्टल पे जाकर के अगर सबमिट हो गया मिस्टेकली कोई डेटा गलत सबमिट हो गया तो दिक्कत है तो क्लेटैक्स के वो चांसेस भी हमारी बहुत लेवल तक कम हो जाती है अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम है पास्ट डेटा को इंपोर्ट करना अगर कोई आप डेटा पुराना डेटा से कंपेयर करना चाहते हैं या फिर जैसे मैं आपको कह रहा था पहले भी बात हुई थी जी एस टी और टू ए का डेटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं अभी तो क्या है वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे मैनुअल ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स लोगे इतना सारा डेटा है उसको सेट करोगे तो मतलब पूरा दिन तो उसी में निकल जाएगा अगर आपको वन ईयर का डेटा इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे क्या है वन क्लिक किया सारा का सारा डेटा जो भी आपको करना है लास्ट ईयर का करना है इस ईयर का करना है मैच करना है जो भी करना है जिस तरीके का डेटा सारे का सारा डेटा क्लियर टैक्स अपनी आप ही गवर्नमेंट पोर्टल कर लेता है और उसको बहुत अच्छे फॉर्मेट में वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट भी कर देता है एक चैलेंज और क्या आता है <laughs> जब टैली से इंपोर्ट करना होता है ना डेटा अगर हम जीएसटी वेबसाइट पे डायरेक्टली फाइल कर रहे हैं मतलब इफ यू आर नॉट यूजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर तो अगर डायरेक्टली पोर्टल पे यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे लिए क्या होता है टैली से पहले तो एक्सेल पे एक्सपोर्ट करो एक्सेल का फॉर्मेट को चेंज करो उसको मतलब जीएसटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो फिर जी पोर्टल पर अपलोड करो फिर अर आ गई तो अलग बात तो दैट्स वाई फिर अगेन यहाँ पर क्लियरटेक्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो डायरेक्टली टैली से इंटीग्रेट होके ऑटोमेटिकली जी पोर्टल पर सबमिट कर देता है आपको बीच में कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती सो अगेन आई एम सिंग अगर मैं क्रक्स आपको बताऊं, तो क्लियरटेस सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा सिस्टम है मतलब इंडिया का नंबर वन सॉफ्टवेयर है दैट्स वाई आई रिकमेंड दिस सॉफ्टवेयर टू ऑल माय स्टूडेंट्स अगर आप जस्ट अ बिगनर हैं अभी मतलब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन क्लेटेक्स सॉफ्टवेयर दैट्स कंप्लीटली फाइन आप अपना गवर्नमेंट पोर्टल को यूज़ करिए दैट्स हंड्रेड परसेंट फिर उसमें किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप उसको यूज़ कर सकते हैं बट जैसे ही थोड़ा सा भी आपका क्लाइंट बेस बढ़ता है या आप बिजनेस हैं तो फिर डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग से ही ले लेना चाहिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और अगर आप क्लाइंट अपने मैनेज कर रहे हैं और आपको जैसे ही आपको लगा कि मेरे पास टू थ्री क्लाइंट्स आ गए इट्स ऑलवेज वर्दी कि आप क्लेटैक्स में इन्वेस्ट करें क्योंकि जितना आप उनसे रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उससे कम में आपका क्लेटैक्स सॉफ्टवेयर आ जाएगा तीन चार क्लाइंट आपको जितना पे करके जा रहे होंगे शायद उससे बहुत कम में क्लेटैक्स सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू करेक्ट है ना कि आप उसको इन्वेस्ट करें क्योंकि तभी जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी अदरवाइज ये ये सारी चीज़ें मैनेज करना अपने आप में एक टेडेस वर्क हो जाता है सो वॉट यू कैन डू डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्ले टैक्स का परचेज लिंक भी मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा इन केस आप हमसे किसी रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सो so, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी आप परचेज़ कर सकते हैं डेमो शेड्यूल कर सकते हैं और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं बाय बाय